नमस्कार दोस्तों, टेस्टमैन लैब के बिगिनर्स गाइड टू विंडोज 10 सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है। अब हम जानेंगे बेसिक बटन्स एंड पोर्ट्स ऑफ ए डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में। दोस्तों, एक आम तौर पर दिखने वाले डेस्कटॉप कंप्यूटर के अगले हिस्से में और पिछले हिस्से में कई जरूरी बटन्स और पोर्ट्स होते हैं। आज हम उनमें से आमतौर पर सभी डेस्कटॉप कंप्यूटर पर पाए जाने वाले बटन और पोर्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर के सामने वाले हिस्से से शुरू करते हैं। ज्यादातर डेस्कटॉप कंप्यूटर के सामने वाले हिस्से में पावर बटन होता है, जिसे प्रेस करके यानी दबा करके आप कंप्यूटर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। किसी किसी कंप्यूटर में यह पावर बटन पीछे भी हो सकता है। आपके कंप्यूटर के सामने और ऊपर वाले हिस्से में एक ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव होता है, जिसे सीडी रोम ड्राइव या डीवीडी रोम ड्राइव भी कहते हैं। इसमें एक नीचे इजेक्ट बटन होता है, इजेक्ट बटन, जिसे प्रेस करने से एक ट्रे बाहर निकलती है, जिसमें आप सीडी या डीवीडी डाल सकते हैं। अगर आपके पास सीडी आर या डीवीडी आर डिस्क है तो आप इसमें डाटा यानी फाइलें राइट कर सकते हैं, जिसे हम जनरली डाटा बर्निंग करना भी कहते हैं। सुविधा के लिए आपके कंप्यूटर के सामने ऑडियो पोर्ट और यूएसबी पोर्ट भी लगा होता है, जिसमें आप एयरफोन, माइक, हेडफोन और यूएसबी पोर्ट में आप फ्लैश ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव और अपने फ़ोन को भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको ऑडियो और यूएसबी पोर्ट पीछे भी मिलता है। आमतौर पर कंप्यूटर के पिछले भाग में कई यूएसबी पोर्ट होते हैं, जिनसे आप हर तरह के पेरिफेरल डिवाइसेस यानी कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। पिछले हिस्से में ऊपर पावर सॉकेट होता है, जहां आप पावर कॉर्ड को कनेक्ट करते हैं, जिससे कंप्यूटर को पावर की सप्लाई मिलती रहती है। कंप्यूटर को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ने के लिए कंप्यूटर केस के पीछे इथरनेट पोर्ट दिया हुआ होता है, जिसमें आप टेलीफोन लाइन के इथरनेट केबल को जोड़कर इंटरनेट की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यहां आप मॉडेम और राउटर के इथरनेट केबल को भी कनेक्ट करते हैं। मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए मॉनिटर पोर्ट होता है। यह मॉनिटर पोर्ट भी कई तरह के होते हैं, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये एक VGA पोर्ट है। हो सकता है आपके कंप्यूटर में DVI या HDMI पोर्ट भी हो सकता है। एक्सपेंशन स्लॉट, एक्सपेंशन स्लॉट्स में एक्सपेंशन कार्ड को जोड़कर कंप्यूटर को अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे कि आप ग्राफिक्स कार्ड जोड़कर अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस अपने कंप्यूटर की बढ़ा सकते हैं। कई तरह के कंप्यूटर्स में PS2 पोर्ट्स के जरिए से माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट किया जाता है। माउस पोर्ट आमतौर पर हरे रंग का होता है और कीबोर्ड पोर्ट पर्पल कलर का होता है, लेकिन अगर आपके पास USB माउस या कीबोर्ड है तो आप USB पोर्ट से भी माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप वायरलेस माउस या कीबोर्ड को ब्लूटूथ या वाईफाई के जरिए से भी कंप्यूटर से कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ कंप्यूटर्स में पुराने मॉडल के प्रिंटर और स्कैनर्स को जोड़ने के लिए सीरियल पोर्ट या पैरेलल पोर्ट होते हैं, लेकिन आजकल ज्यादातर पेरिफेरल डिवाइसेस USB पोर्ट से ही जोड़े जाते हैं। तो यह मेन बटन्स और पोर्ट्स हैं जो आपको आमतौर पर एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में मिलेंगे। आपके कंप्यूटर में ये पोर्ट्स किसी और जगह पर भी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ऐसे ही होते हैं। तो दोस्तों, आपकी ट्यूशन फीस है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।